हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां पर उठते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आप ही की आवाज। आज हरियाणा की आवाज में बात हम करेंगे कैसे ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सरेआम, वो भी रोडवेज के ड्राइवर्स के द्वारा। आखिरकार क्यों इन नियमों को, इन कायदे कानूनों को वो नहीं मान रहे हैं, आज इसी पर आपसे करेंगे चर्चा। जोखिम में डाल जान जो है वो डाली जा रही है आखिरकार क्यों। दरअसल रोडवेज के ड्राइवर चलती बस में फोन पर बात कर रहे हैं, जबकि फोन पर बात करना, फोन का इस्तेमाल करना उस समय सख्त मना होता है। बावजूद उसके ना तो उनको सवारियों का किसी तरीके का कोई डर है कि सवारियों की जान पर बना सकती है, और ना ही अपनी जान का कोई खतरा उन्हें नजर आ रहा है। तो फतेहाबाद में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक बस चालक ने बस में बैठे यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें हरियाणा रोडवेज का बस चालक बस चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि जब बस में बैठे यात्रियों ने ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने का विरोध किया तो ड्राइवर यात्रियों से उलझ गया और उसने तब भी मोबाइल पर बात करना बंद नहीं किया। यात्रियों ने बताया कि ये बस टोहाना से फतेहाबाद जा रही थी। अब देखना यह है कि नियमों की दुहाई देने वाला प्रशासन इस मामले में कितनी कार्रवाई करता है। वहीं इस मामले पर रोडवेज के जीएम ने ये कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में है और रोडवेज टीम को जरूरी कार्रवाई के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों से इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए हम जुड़ रहे हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स को देखिए और हमारे साथ जुड़िए और बताइए हमें कि क्या रोडवेज कर्मियों को नियमों की कोई जानकारी नहीं है, ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते रोडवेज कर्मी, क्यों खतरा मोल लेने के लिए उतारू है रोडवेज के ड्राइवर, क्या यात्रियों की जान का कोई मोल नहीं है, आखिर कब जागरूक होंगे ये कर्मचारी, क्यों चुप बैठा है प्रशासन, आज इसको लेकर आप हमारे साथ जुड़िए। जो भी आपकी राय है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर खुल चुके हैं, नंबर्स को देखिए और हमारे साथ जुड़िए और ये बताइए हमें कि कहीं आपके आसपास भी ऐसा तो नहीं होता, जिस बस में आप जाते हैं रोजाना या जिस बस में आप सफर करते हो वहां पर भी कहीं इस तरीके की लापरवाही तो नहीं अपनाई जा रही है। वहां पर जो ड्राइवर है क्या वो फोन पर बात कर रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा हो कि वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमें जरूर बता सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़िए, टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि अक्सर रोडवेज की बसों पर और उन ड्राइवर्स पर ये आरोप लगते हैं कि ये बहुत तेज रफ्तार से चलाते हैं, ओवर स्पीड इनकी रहती है, नियमों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहते, रेड लाइट्स पर नहीं उतर रुकते हैं ये, और जो स्टैंड होते हैं जहां पर यात्रियों को इनको बिठाना होता है उन स्टैंड से कोसों दूर ये चले जाते हैं, वहां पर सवारियां खड़ी रह जाती है लेकिन ये उन पर रुकते नहीं है। अगर इसी तरीके की हरकतें आपके आसपास भी होती हैं तो जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। हरियाणा की आवाज आप ही का मंच है, आप ही का कार्यक्रम है, कार्यक्रम में जुड़कर हमें अपनी राय जरूर पहुंचाएं। वीरेंद्र हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, झज्जर से एक कॉलर है। नमस्कार वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी कहिए। वीरेंद्र जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय दीजिए। चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पाया, फिर से कोशिश कीजिएगा जुड़ने की, बाकी के दर्शक जल्द से जल्द कार्यक्रम में जुड़ें। और ये बताइए हमें कि जब आप बस में सफर करते हैं, रोडवेज बस का जब आप सफर करते हैं बैठते हैं तो कितना खतरा आपको लगता है, या क्या कुछ दिक्कतें, क्या कुछ समस्याएं इस दौरान आपको आती हैं, किस रूट पर आपको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सब जानकारी आप हमें दे सकते हैं। राम सचदेवा जी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से नियमित दर्शक हैं। सचदेवा जी नमस्कार कहिए। राम सचदेवा जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार कहिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ जबकि ये कानून तो बनाए जाते हैं हर चीज के, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता। आज जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं सिर्फ इन मतलब रोडवेज के मतलब कर्मचारी उन्हें मोबाइल या शराब के नशे में चूर होने के कारण ही होते हैं, और ये नहीं समझते कि भाई सुरक्षा ही सुरक्षा में ही सुरक्षा है। अगर ये सिर्फ रोडवेज वाले जबकि पढ़े लिखे होते हैं हर तकरीबन 90% पढ़े लिखे होते हैं, अगर फिर भी ये पढ़े लिखे हो भी ये अपना मोबाइल का वो करते हैं यूज करते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ मोबाइल एक झूठ का वो एक हथियार बना हुआ है। आदमी होता कहाँ है और बताता कहाँ है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ वो तो चलो भाई अपनी उसको पर सब कुछ होता नहीं होता, लेकिन मतलब के जो यात्री हैं उनकी जान की फिक्र नहीं है। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कानून बनाने से नहीं निभाने से होता है। कानून बनाना हर बंदा बना सकता है, लेकिन जब तक ये निभाएंगे नहीं ये ऐसे होता ही रहेगा। नमस्कार, जय जवाहर, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। राम सचदेवा जी हमारे साथ जुड़े थे और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कानून सिर्फ बनाने से नहीं होगा, कानून की पालना भी होनी चाहिए, तभी उसका असर दिखता है सब में। पानीपत से कृष्णा शर्मा हमारे साथ नियमित दर्शक हैं। कृष्णा जी नमस्कार, कहिए। हाँ नमस्कार मैडम, बोलिए। मैडम ये रोडवेज कर्मचारी बहुत मनमानी करते हैं, एक तो बस में बीड़ी पीने की बहुत इनके अंदर आदत है कि सवारियों का ध्यान नहीं रखते, अचानक ब्रेक मार के सवारी उठाने का कहीं भी जीत ब्रेक मार देते हैं। तो प्लीज इनको थोड़ा हरियाणा रोडवेज के जो मंत्री है इनको चाहिए कि इनकी 15 दिन में महीने में एक बार जरूर इनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, मनमानी करते हैं ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत आपका, बिल्कुल सही बात आपने रखी, बहुत अच्छी बात आपने बोली कृष्णा जी। और इन्होंने ये भी कहा कि कितनी मनमानी उनकी चलती है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उनका दिल करता है वो गाड़ी को रोक देते हैं, बस को रोक देते हैं, चलाते हैं, सवारियां बिठाते हैं, नहीं बिठाते, यानी कि हर तरीके से अपनी मनमर्जी करते हुए वो नजर आते हैं। अब आपकी नजर में इन रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कभी आपने जब आप यात्रा कर रहे हो बस में बैठ रहे हो क्या कभी आपने इन्हें रोकने और टोकने की कोशिश की है? जरूर जुड़िए हमारे साथ, जुड़कर जो भी राय है हम तक जरूर पहुंचाएं, जल्द से जल्द आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, रोडवेज कर्मचारी का वीडियो सामने आया है, जनाब की करतूत आप देख सकते हैं, चलती बस में भी मोबाइल से परहेज नहीं है, यात्रियों की जान से कोई सरोकार नहीं है। रोहतक से हमारे साथ दर्शक भीम सिंह जुड़े हैं, नमस्कार भीम सिंह जी, बोलिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। जो आईटी के बच्चे है ना जी, वो बच्चे को हम देख पा रहे हैं बिल्कुल गलत हो इनके साथ, चलती बस में चढ़ रहे हैं बच्चे जी। तो क्या कुछ दिक्कतें इस दौरान भीम सिंह जी आती है? चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। महेंद्र हमारे साथ फतेहाबाद से कॉलर जुड़े हैं, महेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या कहेंगे आज के इस मुद्दे पर आप? फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने की, जल्द से जल्द जुड़िए हमारे साथ, बताइए अपनी राय दीजिए हमें, हरियाणा की आवाज आप ही के लिए ये कार्यक्रम है। और आज हम पूछ रहे हैं कि रोडवेज कर्मचारियों की जो मनमानी है उस मनमानी को लेकर आखिरकार आप क्या शिकायत करना चाहते हैं, आपकी क्या समस्या है, क्या आपको लगता है कि बार बार जो रोडवेज के कर्मचारी हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं, जान को जोखिम में डालते हैं, सवारियों की भी और अपनी भी, साथ ही साथ वो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाते हैं। तो क्या रोडवेज कर्मी को नियमों की कोई जानकारी नहीं है, ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते रोडवेज के कर्मचारी? आर के कालिया जी हमारे साथ अंबाला से कॉलर है, नमस्कार कालिया साहब, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार, कहिए। देखिए ये जागरूकता होगी जब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और कड़ा एक्शन होगा, वैसे नहीं मानेंगे ये, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपको चैनल के माध्यम से एक मुद्दा उठाना चाहूंगा, 18-20 साल पहले अंबाला सिटी से लेकर अंबाला कैंट तक ना जाने कितनी लोकल बसेस थी, इतनी सर्विस थी मैं आपको बता नहीं सकता, एक नंबर, दो नंबर, चार नंबर, छह नंबर, एक जो थी वो वाया बलेन मगर अंबाला कैंट पहुंचती थी। मैंने केवल मुद्दा उठाया, हो सकता कोई दूसरा चैनल हो, तो कोई भी लोकल सर्विस नहीं है।
हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा हमें तकलीफ है, जो आम नागरिक है, आम जो जनता है, तो अंबाला सिटी से लेकर अंबाला कैंट तक लोकल सर्विस है नहीं, महेश नगर तक पहले थी सर्विस, अब तो सर्विस बड़ा नाम है, हमें तो कोई नजर आते तो बस ये भी मुद्दा उठाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जो अधिकारी हैं वो संज्ञान लें, एक टीम गठित करें, छापा मारें, इंस्पेक्शन करें, और ऐसे जो ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। धन्यवाद, हमारा शुक्रिया आपका। एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन ये एक्शन ले कौन, क्यों नहीं लिया जाता एक्शन। महेंद्र है हमारे साथ, अगले दर्शक फतेहाबाद से जुड़े हैं। महेंद्र जी नमस्कार, कहिए। महेंद्र जी आवाज मिल रही है आपको, कहिए। हाँ जी, महेंद्र बोल रहे हो जद्दर से। हाँ जी बोलिए। मैडम ऐसा है, हजार रोडवेज के बसों में ड्राइवरों में एक आधा ड्राइवर तो ऐसा मिल ही जाता है जिसके खिलाफ एक्शन होना, सब एक कहते एक फैसला वो बंदा कर देती है जी। एक ड्राइवर के ऊपर सारी रोडवेज को बदनाम किया जा रहा है। रोडवेज 20 साल से हरियाणा में गोल्ड मेडल ले आई हुई है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही बात है आपने कही, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई गलती करता है या फिर अगर कोई नियमों का ख्याल नहीं रखता और अगर कोई नियमों की बार बार अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही है, इसी को लेकर आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। बात आज हम कर रहे हैं जोखिम मिजान की, क्योंकि रोडवेज के ड्राइवर्स पर बार बार ये आरोप लगता है कि वो सवारियों की जान की परवाह नहीं करते, और ऐसा ही मामला सामने आया है फतेहाबाद से, जहां पर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की लापरवाही सामने देखी गई है। बस चालक ने बस में बैठे यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। एक वीडियो सामने आ रहा है, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, यहाँ पर हरियाणा रोडवेज का बस चालक बस चलाने के दौरान मोबाइल पर बातें कर रहा है। बताया जा रहा है कि जब बस में बैठे यात्रियों ने ड्राइवर की मोबाइल पर बात करने का विरोध किया तो ड्राइवर यात्रियों से उलझ गया और उसने तब भी मोबाइल पर बात करना बंद नहीं किया, वो उस बात को करता रहा। यात्रियों ने बताया कि टोहाना से फतेहाबाद ये बस जा रही थी। अब आप लोगों से हम जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में एक बार फिर से, टेलीफोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और बताइए हमें कि क्या रोडवेज कर्मी को नियमों की जानकारी नहीं थी, ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते रोडवेज कर्मी, क्यों खतरा मोल लेने पर आतुर हैं रोडवेज ड्राइवर, क्या यात्रियों की जान का कोई मोल नहीं है, आखिर कब जागरूक होंगे कर्मचारी। दर्शक हमारे साथ रोहतक से जुड़े हैं, नरेंद्र। नरेंद्र जी नमस्कार, कहिए। हाँ नमस्कार मैम, जो ये आप वीडियो दिखा रहे हैं बस स्टैंड के अंदर की दिखा रहे हैं। हाँ जी, बस स्टैंड के अंदर की दिखा रहे हैं, कौन सी गाड़ी छोड़ रही है साइड में, कब पीछे काउंटर भी दिख रहा है। नहीं बस चल भी रही है, चलती हुई भी तस्वीरें दिख रही है, ये तो काउंटर तो छोड़ है, इसमें जोखिम की क्या बात है। नहीं बस चलाते हुए अगर आपको नहीं लगता कि नहीं मैम आप ये ऐसे क्यों दिखा रहे हो। नरेंद्र जी आप मुझे ये बताइए, बस चल रही है, ड्राइवर बात कर रहा है, सवारियों ने जो उसमें यात्री मौजूद थे उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए, उन्होंने बोला था आप फोन पर बात मत कीजिए, तब भी ड्राइवर नहीं माना, ये खुद यात्रियों का आरोप है। आरोप लगा दिया, बस रुक भी रही है, सवारी भी चढ़ रही है, कनेक्टर सवारी चढ़ा रहा है इसमें सवारी, ये सब मिक्स करके विजुअल्स आ रहे हैं नरेंद्र जी, इसलिए आपको ये चीज समझ नहीं आ रही। यहाँ पर ड्राइवर जो है चलाता है बस, चलती बस में वो बात करता है टोहाना से फतेहाबाद की तरफ जब ये जा रही होती है। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शकुंतला है हमारे साथ। नमस्कार शकुंतला जी, बताइए। नमस्कार मैडम, मैडम जैसे एक दर्शक ने अभी बोला था शायद वो फतेहाबाद से था, हाँ। कि एक आदमी के ऊपर पूरे रोडवेज कर्मचारियों का बदनाम किया जा रहा है, बिल्कुल, शायद मुझे लगता है वो खुद भी रोडवेज में ड्राइवर होगा, उसको हाँ। ये नहीं मालूम हाँ। हर एक ड्राइवर फोन चलता है बस में चलता हुआ, मैंने तो बहुत बार देखा है इनको। आपने कभी इनको मना करने की कोशिश की है, क्योंकि आप ऐसे दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिन्होंने कहा कि कई बार ड्राइवर ऐसा करते हैं। मैडम अगर मना करे तो दूसरे बोलने लग जाते हैं, हाथ यूं करेंगे चुप 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 कि मैडम बात कर ले, क्या आपका कोई जरूरी बात हो, मतलब आपस के लोग ही मना कर देते हैं। हाँ मना कर देते हैं, दूसरे कोई ये नहीं सोचता। मैंने एक बार बोला, एक ड्राइवर और तरह से चला रहा था बस, एक को बोला मैं इनका, मेरे को ऐसे लगता है शायद इसको जब्ती आ रही है, और बिल्कुल लग भी रहा था, तो दूसरा कहता नहीं इस क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है ये, तो कितने बार एक्सीडेंट होते हैं जब्ती आने से, जिम्मेदारी समझे तो ये। लेकिन शकुंतला जी हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपके जैसे जागरूक नागरिक होने की जरूरत है, बहुत अच्छी पहल आप करती हैं, बहुत
इस तरीके की चीजें आप करते रहिए, अगर आपको 10 लोग मना भी करें तब भी अगर आपको कुछ गलत होता हुआ नजर आए तो उसको टोके जरूर, असर जरूर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही दर्शकों से हमें उम्मीद है, ऐसे ही दर्शक हम चाहते कार्यक्रम में जुड़े, जैसे शकुंतला जी अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाहियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रणजीत हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, नमस्कार रणजीत जी। नमस्कार, कहिए। हाँ मैम, मैं आपका ये कार्यक्रम देख रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है इस ड्राइवर ने गलती की है, इस ड्राइवर ने गलती भी की है और इस ड्राइवर को मतलब आगे से संज्ञान में इसका ये मामला भी लेना चाहिए, लेकिन ये भी है कि हरियाणा रोडवेज पूरे पूरे राज्य को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया मतलब वो दे रखे, इन्होंने सुविधा दी थी, क्योंकि 18 बार राष्ट्रपति अवार्ड हरियाणा रोडवेज को ही मिला है। बिल्कुल, कितनी भी धुंध हो, धुंध में हरियाणा रोडवेज का चालक चाहे 3 बजे हो चाहे रात के 2 बजे हो, कंटिन्यू चलता रहता है, सवारियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। रही बात बीड़ी सिगरेट पीने वाली भी बात आई है, हाँ कुछ चालक ऐसे है जो बस में बीड़ी लगाते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है जिनके रोडवेज चालक खुद बीड़ियां बंद करवाते हैं, हमने बसों में देखा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनकी शुक्रिया। देखिए बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि एक की वजह से सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो गलत कर रहा है, जो लापरवाही बरत रहा है, जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, जो नियमों को पालन नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ तो हमें आवाज उठानी होगी, उनके खिलाफ तो हमें कार्रवाई की मांग करनी ही होगी, अन्यथा उनको देख के बाकी के महकमे के जो ड्राइवर्स हैं या बाकी के महकमे के कर्मचारी हैं वो ऐसी चीजें ना करने लग जाए, इसलिए ऐसी चीजों को यहीं रोकना बहुत जरूरी है। जुड़िए कार्यक्रम में, जुड़कर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, टेलीफोन नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल कीजिए, कॉल करके हमारे साथ जुड़िए और जो भी आपकी राय है हम तक जरूर पहुंचाएं। हरियाणा की आवाज में आज हमने बात की कि कैसे जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उन नियमों की धज्जियां उड़ाने की वजह से कई लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई कितनी होती है। और दर्शक भी हमारे साथ जो जुड़े उन्होंने कहा कि हम कई बार रोकते हैं टोकते हैं, तो दर्शकों को कम से कम हमेशा जागरूक रहने की जरूरत है। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में इतना ही, नमस्कार।